अस्सलामुअलैकुम सब जनों दोस्तों मित्रों से लियो कैसे हो खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। तो यार सबसे पहले तो ना 300K करवाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया गिली चुम्मी। तो 300K होने पे मैंने कहा था कि ट्रूथ और डेयर होगा और आपको तो पता है हम वादों के पक्के हैं सनम। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था और कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट लगाई थी जहाँ पे मैंने ट्रूथ और डेयर लिए थे। पर यार तुम भी ना एंड लेवल के हरामी हो, ऐसे ऐसे डेयर्स आए हाय हाय। तो ट्रूथ और डेयर भी है और कुछ हजरात के क्वेश्चन भी है तो उसको भी साथ साथ ही कवर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला डेयर है साद अकरम का, जुबान पर परफ्यूम लगाओ। अब्दुल्ला अंसारी 8070 का क्वेश्चन है, सेटअप टूर कब करवाओगे? यार बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, मैं तकरीबन 1-2 महीने में, ये मे बी मुहर्रमों के बाद, मे बी मैं ना बस इसी के मतलब मगर पे आ गया हूँ। अब सेटिंग मैटिंग थोड़ी सी रहती थी वो अब करके ना बहुत जल्द आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं करना, वो छोटे को ना नहीं करनी। इसके बाद अशर रहमान का एक डेर है, डू 10 पुशअप्स वाइल सिंगिंग ग्रूव मेरा। देखेगा क्लाउड मेरा ग्रूव टीवी ते आज देखेगा क्लाउड मेरा ग्रूव टीवी ते। वो कितने हो गए ग्रूव टीवी ते? अरीबा ने पूछा है ट्रूथ, लाइफ में कभी पूंडी की है? यार देखो पूंडी इज बेस्ट फॉर योर हेल्थ, आपके जैसे में कोई भी विटामिन की कमी होती है ना पूंडी से वो मतलब क्लियर हो जाती है, उसकी कमी दूर हो जाती है। पूंडी इज बेस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, यू शुड ट्राई। बस छितर छुतर ना खा ले बाकी क्या यार। इसके बाद मोहम्मद ताहा का एक डेयर है, पद मार के चेयर में होल कर दो। ट्राई कर लेते हैं। सॉरी यार मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैनब बट 0202 का क्वेश्चन है, आप इतनी करारी आवाज कैसे निकाल लेते हो? पापड़ करारे ऐसे। आलियान राजपूत वर्ल्ड का एक डेयर है, क्रीम वाले बिस्कुट के अंदर पिसी हुई मिर्चों के 3 स्पून, नमक के 2 और हल्दी के 1 स्पून मिक्स करके खा जा। यार बिस्किट के अंदर कौन सा 1.5 मरले की जगह होती है, इतने स्पून उसमें आएंगे कहां से? रेड मिर्च, ये हल्दी क्या होता है वो डाल ली, देख रहे हो, और नमक थोड़ा, और नाजरीन मेहरबान कदरदान ध्यान कर लो जरा, पीना कहना हमने धोखा दिया, ये इसको हमने दोबारा से पैक कर दिया। हाय हाय शाज़ीब हसन का एक डेयर है, सिंग ब्राउन मुंडे सॉन्ग इन पब्लिक। ब्राउन मुंडे बैद का क्वेश्चन है, फैसल भाई आपके कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं यार। ट्रिगू 07 का डेयर है, पंखे पर लटक के मर के दिखा। अच्छा ठीक है।
तो ठीक है यार, फिर अगर तुम ऐसा ही चाहते हो ना तो ऐसा ही होगा। तुम सब मौत जाओ कहीं। एक मिनट, नहीं ऐसी फोदू हाँ। मॉन्स्टर क्वीन का एक क्वेश्चन है कि कभी किसी लड़की पर लाइन मारी हो मजाक में और वो सीरियस हो गई हो? हाँ यार, एक दफा ऐसा हुआ था, छाड़ते मोबाइल में तनु कहानी सुनाना। तो मैं यूनिवर्सिटी में होता था, यूनिवर्सिटी के जो भी फंक्शन वगैरह होते ना उस पर फोटोग्राफी मैं ही करता होता था। तो ऐसा हुआ, वहां पे ना एक फेस्टिवल चल रहा था, फेस्टिवल पे ना एक मतलब एक एक दिन गुजर गया और उसी ना रात को मतलब ग्रुप में लगे हुए थे, ग्रुप जो फेसबुक ग्रुप होता है ना वहां पे लगे हुए थे। वहां पे ना एक लड़की ने पूछा कि आप इतना वहां पे काम करते, इतनी भागदौड़ करते, फोटोग्राफी करते, इधर उधर ये वो, तो आप थक नहीं जाते? मैंने कहा अगर इतना एहसास हुआ है तो बंदा कोई चाय पानी पूछ लेता है, वहां से कोई जूस वूस ला के दे देता है। तो तब तो उसने वहां पे ही करके वो बात टाल दी। तो अगले दिन फिर फेस्टिवल था, फेस्टिवल पे मैं फोटोग्राफी कर रहा था, तकरीबन जब दोपहर हो गई ना तो मैंने देखा कि पीछे ना एक लड़की खड़ी है, लड़की ने एक जूस पकड़ा हुआ है, रानी जूस पकड़ा हुआ है और साथ में लेस पकड़ी हुई है। वो कहती ये लो, मैं तो मंगवाई नहीं, आप कौन? मैंने कहा, कहती वही। मैं कहा ये तो सीरियस होगी। एल्बो पर चॉकलेट लगाकर लिख करने की कोशिश करो और बैकग्राउंड में तारे जमीन पर सॉन्ग प्ले करो। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। तनी सोहोत्रा का एक क्वेश्चन है कि सनम तुम अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताओ और अगर सिंगल हो तो उसकी रीजन बताओ। सनम बाबा जी शदीद सिंगल और उसकी रीजन ये है कि हमसे ये रिलेशनशिप वाले चोचले नहीं उठाए जाते। सनम थाना खाया थे नहीं, मुझसे बात क्यों नहीं थी? तुम ऑनलाइन थे फिर भी मुझसे बात नहीं थी? What the heck is this man? तुमने उसको रिप्लाई त्यों दिया, त्यों दिया, त्यों दिया। Why is that? साथ का एक डेयर है, बर्फ अपनी पैंट में डालो और दो मिनट तक ट्वर्क करो। कॉन्ग्रेचुलेशन फैसल भाई। यार देखो, मैं दूसरों को ऐसे पुटे पुटे कामों से हटाता हूँ, खुद ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ भला? A few inches later. यार आइस क्यूब तो नहीं है पर ये पूरा बर्फ का गोला है, तो यही डाल लेते। यार देखो, मैं दूसरों को ऐसे पुटे पुटे कामों से हटाता हूँ, खुद ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ भला? बादशाह ओपी का एक क्वेश्चन है, शादी कब करोगे? यार फिलहाल तो हैप्पीली अनमैरिड, बाकी का फिर देखेंगे। इट्स मी सारा का एक ढेर है, गो इन पब्लिक एंड सिंग बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनो मेरी जाने मन, सुनो मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनो मेरी जाने मन, सुनो मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनो मेनो मेरी डार्लिंग, जान मेरी जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। यार इतना सब करने के बाद अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो बहुत कठोर दिल हो तुम। आसमा सेज का एक क्वेश्चन है, मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ एंड फर्स्ट और क्यूटेस्ट फैन मोमेंट। एक एम्बैरसिंग मोमेंट तो आपको मैंने पहले अपनी क्यू एन ए वीडियो में बताया हुआ है, उसके अलावा एक मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ मेरा ये था कि फर्स्ट टाइम हम जब लिफ्ट में बैठे थे ना, वो ऐसा हुआ था कि हम ना किसी मॉल में गए थे, छोटे छोटे होते थे तो वहां पे ना एक मॉल में गए। मॉल में जाने के बाद ना वहां पे लिफ्ट थी तो हमने कहा ओए ओए चूटी लइए, तो हम ना लिफ्ट में अंदर चले गए और ना उसका दरवाजा बंद हो गया, हमने बटन दबा दिया कि इस फ्लोर पे जाना है। तो ना थोड़ी देर गुजरी और ना दरवाजा खुल गया और हम सोच रहे थे कि यार क्या चीज है यार, पता भी नहीं लगा हम दूसरी तीसरी मंजिल पे पहुंच भी गए हैं। जैसे ही दरवाजा खुला ना तो दरवाजे के सामने गार्ड खड़ा हुआ था, गार्ड हमें कहता कि पुत्र बाहर आई हो खराब।
फैसल रहमान का ढेर है, हाथों के बाल चल के दिखाओ 5 कदम। मेरे को तो एक भी नहीं चलिया जाता। ये नहीं होगा यार। आशु क्वीन 406 का क्वेश्चन है, कब तक सिंगर रहेगा भाई? जब तक है जान। अल्फा जोया 68 का एक डेयर है, अदरक लहसुन के पेस्ट को लेस के साथ खाना है, बहुत आसान है। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, कितने गया आई, और ये रही लेस। ये रख लिया। राहीन चौहान का एक क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन ये है कि किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब कब आ रहे हैं? यार कोलैब बहुत जल्द आ रहे हैं, इस चैनल का पता नहीं, पर जो मेरा गेमिंग चैनल है ना, उस पर बहुत जल्द विद इन अ वीक हमारे कोलैब्स आ रहे हैं, तो उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लेना। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे जाके लास्ट में सब्सक्राइब कर लो, उस पर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कोलैब्स आ रहे हैं। दीद फातिमा का एक ढेर है, एड 1 जिंजर टमाटो केचप एंड लेमन इन 1/2 कप ऑफ मिल्क, ग्राइंड इट एंड ड्रिंक। तो ये रहा नींबू, ये केचप, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1/2 कप ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले ये डालते हैं, ये फिर नींबू। वो नींबू से तो मेरे ख्याल से दूध फट नहीं जाएगा, वो तू मेरा टेट खराब कराऊंगा। और ये रहा दूध। पता नहीं धमाका ना हो ये कोई इन्ना कुछ पा दिता। ये पता नहीं अब क्या बन गया, मैंने जो कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छड़ना नहीं। रियल लाइफ गेमिंग का एक डेर है कि अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा नॉक करो, जब वो बाहर आए तो उससे पूछो टाइम क्या हुआ है। हेलो हेलो, यार टाइम क्या हुआ है? टाइम तड़को घड़ी नहीं है कि कल का यार, हमारे ना खराब हुआ है बाद में, मैं आईफोन से ना बैटरी निकाली थी तो वो खराब हो गया, तो चलो उसका मैं अंदर से देख के आता हूँ। हाँ देख के बताना। कितने रह गया? 650 और रहेगा, तो इसमें मुझे बहुत मजा आता है, पर्सनली भी मजा आता है, तो जब भी मौका मिला कहीं भी आना जाना हुआ तो मुझसे मैं व्लॉग लास्ट में बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक व्लॉग कुमराट पहली वाला नहीं देखा तो आप उसे लास्ट में देखना।
इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है महरूश अली का, आपका कुमराट वाली का ट्रिप कैसा रहा और आपको व्लॉग बनाने में कितना टाइम लगा? ट्रिप तो यार बहुत अच्छा रहा था, अगर आपने व्लॉग देखा है तो वो जो यकी हुई वो तो हुई, पर ट्रिप का अपना मजा था। और व्लॉग बनाने में टाइम 3 दिन शूट करने में लगे और तकरीबन भी ना 7 या 8 दिन लगे उसे एडिट करने में, बस इतना सा। हरम अंसारी का एक ढेर है, अपने मुंह में एक एग रखो, टूटा ना हो, और 5 जंप लगाओ। लो जी ये अंडा है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, सेफ गार्ड लगा के फोली जरा सा लक्स लगा के इसे धो लिए, अब करते हैं। ये टूट जाएगा, टूट गया यार, एंड में टूट गई, तू पाला लुटिया। सैयदा शाजिया का एक डेर है कि अपनी 10 साल पुरानी फोटो दिखाएं। नोट एनी बड़ा मसला, फोटो मैं दिखा दूंगा पर मैं लगा दूंगा इंस्टाग्राम पे, जिसने भी देखनी हुई वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना और वहां पे जाके देख भी लेना, कैसा आइडिया है। ये सैयद अमज या सैयदा अमज 5 आर्ट्स का एक डेर है, मुंह में पानी भर के सजनों तो बेलियो मित्रों तो सहेलियो बोले मजे आएंगे। तैयब का एक क्वेश्चन है कि क्या कभी आपको अपने स्कूल टीचर पर क्रश हुआ? यार मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं ना वहां पे टीचर्स के नाम थे उस्ताद बग्गा, उस्ताद अशरफ, उस्ताद लियाकत, हो सकता था क्रश। जलील अहमद का एक ढेर है, पिसी हुई काली मिर्च को स्मेल करो, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, हो जाएगा। यार ये काली मिर्चें थोड़ी सी हैं पर हमारा गुजारा हो जाएगा, एक चमची भर के बोल गए तो काफी सारी हैं। ये कहाँ पे फोकस करना है, ये चेक कर लो, गुड हो गया। रिजवाना अजमत का डेयर है, गो इन पब्लिक एंड से क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? अस्सलाम वालेकुम, यार आपकी टूथपेस्ट में नमक है? हैं? आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नमक है? कोलगेट है उसमें नमक है? पता नहीं, हम तो लोग हमको था लेके वो नहीं सर नहीं है। ये बंगतन की दीवानी का ढेर है, आइसक्रीम विद रोटी। सॉरी ये तो मजे के है यार। ये पता नहीं क्या नाम है, सैमरिच 221, इनका एक ट्रुथ है और एक डेयर है। कभी किसी से प्यार किया? नहीं। डेयर, अपने फ्रेंड को कॉल करके कहें कि आपका रिश्ता पक्का हो गया है। इंटरेस्टिंग।
चोकला ये कॉल नहीं चुकते तो इन्होंने रिएक्ट की करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक जाने, तुम सुनो? मैं भी ठीक। नेक्स्ट संडे को फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, कह रही थी। यार मेरी एंगेजमेंट है नेक्स्ट संडे, तो आ जाना। क्या बोला? मेरी एंगेजमेंट है नेक्स्ट संडे को, तो आ जाना 12। यार घर में आया, मुझे पता ही नहीं था, पीछे से इन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। क्या इतनी रिश्ते की लहर लगी हुई थी? यार पता नहीं क्या सीन है, वो मेरी कजन सोई हुई थी तो मामा उसे जाके अंगूठी पहना आई। बस सही है, ये फेसबुक पे जो चुटकुले होते हैं वही तो नहीं मुझे सुना रहा? नहीं नहीं कसम से यार, तुम्हारी कसम। यारानु मारेगा? नहीं नहीं यार सीरियसली, नेक्स्ट संडे को आ जाना फिर। 12 बजे? रात के? नहीं नहीं सुबह के मामा। चलो वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। यार तू आके देख ले। यासिर आजा, आजा ओ आ सजना। नहीं नहीं ओ नहीं, यासिर आजा का एक डेयर है, डिंचक पूजा को प्यार बड़ा मैसेज करो इंस्टाग्राम पे। हे डिंचक, जब से मैंने तुम्हारा गाना सुना है ना, उसके बाद मुझे और कुछ सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि मेरे कानों को बवासीर हो चुकी है। और जब मैं देखता हूँ तुम्हारी तस्वीर को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीरिया हो गया है। कैन यू फस विद मी, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू। सुनो मेरे डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। शाजिब ओपी का एक ढेर है, एक कच्चे अंडे में से जर्दी को बिना फटे अलग करो। अच्छा तो जनाब ये अंडा है और ये दो गोलियां हैं, इसमें अंडा डालना है और इसमें से जर्दी निकाल के ना इस वाली में डालनी है। वैसे तो मुझसे अंडा ही नहीं आज तक कभी सही से टूटा, आज देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 हैया, हुआ कुछ नहीं। ओहो वो टूटा ही। ओके मिशन पास, सर्दी बच गई है, मुझे तो नहीं लगता था पर बच गई है। अच्छा जी, अच्छा ए मेरे ख्याल आ गया आप पास हो गए। ये थोड़ी सी जर्दी वो जो होती है चिट्टी चिट्टी को क्या कहते हैं, वो चलेगी ना। लाओ जी आता अंडा आता जर्दी पाई। तो सजनों तो पहलियों मित्रों तो सहेलियों ये थी आज की वीडियो, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है सनम। वीडियो को लाइक करो और वीडियो को लाइक एम रखते हैं 1,00,000। खास से थोड़ा बाहर है पर यार मेहनत भी बहुत हुई है, वहां बाहर मुझे छितर पड़ सकते थे पर मैंने किया, आपके लिए किया। और इसी तरह अपनी सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा, थारा भाई यो फैसल, अपनी ऑडियंस के लिए सब कुछ करेगा यो फैसल, थारा भाई यो फैसल। वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, और अगर अभी तक तुम इन लोगों में शुमार करते हो तो यार कसम तोड़ दो यार, की अपनी दुश्मनी तेरी मेरी कोई दुश्मनी है मेनू दस, आप बैठ के मुका लेंगे। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वो भी कर लो। आपसे मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।